आज मैं बनाने जा रही हूँ तीखी चटपटी बनारसी टमाटर चाट। बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बनारसी टमाटर चाट बनाने के लिए एक पैन में हम एक चम्मच घी गर्म करेंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन। तो ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसे बारीक काट कर डालें। गैस का फ्लेम धीमा रख के और धीमी आंच पर जीरा और लहसुन को तेल में हल्का भून लें। जैसे ही ये थोड़े भुन जाए हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो ये मैंने 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। धीमी आँच पर इन्हें हल्का भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिला दें इन सबको। ध्यान रहे यदि आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे, तो धीमी आंच पर इन्हें हल्का भून लें। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक टुकड़ों में काटा है। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने ताकि ये जल्दी पक जाए। टमाटर को हमें पूरा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो टमाटर को मसालों और नमक के साथ मिला लें और उसके बाद इसे धीमी आंच पर पकने दें। आप चाहें तो पैन को कवर करके भी पका सकते हैं। टमाटर को धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। तो यहाँ पर टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो ये मैंने 1 मीडियम साइज़ के उबले आलू लिए हैं। छिलका हटा के आलू को बड़े टुकड़ों में काट कर डालें। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप आलू को बड़े टुकड़ों में काट कर डालते हैं और उसके बाद इसे क्रश करते हैं तो छोटे बड़े आलू मिक्स होके चाट में जो है अच्छा लगता है। तो आलू को आप मैश करके नहीं डालें, पहले आप बड़े टुकड़े डालें उसके बाद इसे ऐसे क्रश कर लें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो ये मैंने 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो चाट जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे ऐसे ही सर्व नहीं करें, इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें। तो ये मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे ढककर 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि पानी जो है आलू टमाटर और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर पैन को कवर कर दिया मैंने। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दें। मीडियम फ्लेम पर हमें चाट को पकाते हुए 1 मिनट हो गए हैं। पैन से मैंने ढक्कन हटाया और ये हमारा टमाटर चाट जो है वो ऑलमोस्ट बनके तैयार है। इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग अभी बाकी है, तो इसके लिए हम 1/2 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर डाल देंगे। ये भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर। तो ये मैंने 1/4 चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ करें और उसके बाद ऐड करें। तो ये हमारा टमाटर का चाट बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके साथ जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए गैस ऑन करके पैन में 1 कप पानी गर्म करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये 2 चम्मच चीनी डाल दें। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर चीनी को पिघल जाने दें। जैसे ही चीनी पिघल जाए हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो मसालों में 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो ये 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाला मैंने। काला नमक इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसके बिना भी ये बना सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे ही पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है, इसे ठंडा हो जाने दें। अब चलते हैं चाट सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए आप पहले टमाटर की चाट को गर्म कर लें और उसके बाद सर्विंग बोल में डालें। ध्यान रहे ये जो चाट है ये गर्म होना चाहिए और इसके ऊपर हम जो पानी डालेंगे खट्टा मीठा पानी वो ठंडा होना चाहिए। तो चाट मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है। तो नॉर्मली चाट पेपर बोल या पत्ते में खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। ये स्टील या
कांच के बोल में खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमने खट्टी मीठी चटनी इसमें डाल दी है और ये हमारा टमाटर का चाट बनके तैयार है। तो हमने इस चाट में तीखा, मीठा, खट्टा, चटपटा सारा फ्लेवर ऐड किया है। आप इस टमाटर चाट के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट कर बताएँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।